नमस्कार, मैं हूं अनामिका बिहारी न्यूज से, और आज हम बताएंगे आपको बिहार में शिक्षक बहाली में एक बार फिर पेंच फंस सकता है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने सदन में कहा है कि NCTE की गाइडलाइन के अनुसार प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्षों तक निर्धारित है। उनके इस बयान से बिहार में शिक्षक बनने की चाह रखने वाले 2012 TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को झटका लग सकता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार सरकार ने 2012 में TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था, जिससे आगामी बहाली में उन लोगों को भी आवेदन करने का मौका मिल गया। वहीं अब केंद्रीय मंत्री के इस बयान से बिहार सरकार के इस फैसले पर रोक लग सकती है। पोखरियाल ने शुक्रवार को राज्यसभा में यह स्पष्ट कर दिया कि NCTE के प्रावधान के अनुसार सर्टिफिकेट की मान्यता 7 साल की होती है। 7 साल पूरा होने के बाद अभ्यर्थियों को फिर से TET उत्तीर्ण होना होता है। इस बयान के बाद बिहार सरकार की शिक्षक बहाली के लिए तैयारी को बड़ा झटका लगा है। शिक्षकों की बहाली को लेकर एक बार फिर से असमंजस की स्थिति सामने आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस YouTube चैनल बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो आप हमारे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे इस Facebook पेज को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।